नमस्कार, सभी का स्वागत है भारत उदय समाचार के एक विशेष रिपोर्ट में। दरभंगा जिला से आप विशेष कवरेज देख रहे हैं। बिहार में जिस तरह से लगातार लूटकांड हत्या बढ़ गई है, ऐसे में प्रशासन के लिए चिंता का सबब तो है ही। नए नए डीएसपी हो, नए नए एसएसपी हो, नए नए अधिकारी जो है लगातार जो तबादले के बाद ग्रहण किए हैं अपना पदभार, उसके बाद एक बड़ी खबर बता दें, अवकाश कुमार जब से दरभंगा के एसएसपी बने हैं उनके यहाँ पर कार्यकाल में सबसे बड़ा उद्भेदन जो है वो दरभंगा के बहेरी थाना क्षेत्र से हुई है। राजश्री ज्वेलर्स लूटकांड में दरभंगा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिल गई है। बता दें कि बड़ी सफलता मिली है, 5 पिस्टल 2 देसी कट्टा के साथ 8 अपराधी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। गिरफ्तार अपराधी के पास से 2 करीब 2.5 लाख रुपए कैश के साथ साथ लूट के कुछ जेवर भी बरामद किए गए हैं। बता दें कि पकड़े गए अपराधी में से कुछ अपराधी 2020 में हुए दरभंगा के सबसे बड़े 5 करोड़ सोना लूटकांड में भी शामिल थे। दरभंगा पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दिया है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दरभंगा के बहादुरपुर थाना क्षेत्र में रखा गया था। बहेरी थाना क्षेत्र के शंकर लोहार चौक के स्थित राजश्री जो ज्वेलर्स था वहां पर उस दुकान से जो चोरी हुई थी, सुबह सुबह आपने जो खबर भी देखा होगा, एसएसपी बाबूराम जो निरीक्षण वहां करने के लिए गए थे। महत्वपूर्ण बात बता दें कि आखिरकार दरभंगा पुलिस को बड़ी सफलता मिल गई है। दरभंगा पुलिस ने 8 अपराधियों को न सिर्फ धर दबोचा है बल्कि गिरफ्तार अपराधी के पास से लूट के जेवर के साथ साथ हथियारों का जखीरा भी बरामद कर लिया है। बरामद हथियार में 5 ऑटोमेटिक पिस्टल मैगजीन के साथ, इसके अलावा 2 देसी कट्टा और तकरीबन 50 राउंड जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। अपराध में उपयोग करने वाले 12 सिम कार्ड के अलावा लूटे गए ज्वेलर्स के साथ साथ 2.5 लाख रुपए नकद भी बरामद कर लिए गए हैं। पकड़े गए अपराधी अंतर्राज्यीय यहां पर गिरोह के हैं, ये ज्यादातर सिर्फ शोरा लूट कांड को ही अंजाम देते थे। वहीं दरभंगा पुलिस के आला अधिकारियों की माने तो पकड़े गए कुछ अपराधी दरभंगा शहर में वर्ष 9 सितंबर को अलंकार ज्वेलर्स में हुए 5 करोड़ से ज्यादा सोना लूट कांड मामले में भी शामिल था। पुलिस फिलहाल पकड़े गए अपराधी से और भी राज उगलवाने में लगी है। मालूम है कि दरभंगा के बहेरी बाजार के शंकर लोहार चौक पर 5 नवंबर 2021 को हथियार के बल पर राजश्री ज्वेलर्स से लाखों की लूट को अंजाम देकर अपराधी सुबह सुबह फरार हो गया था। इसकी गिरफ्तारी पुलिस के लिए एक चुनौती बनी हुई थी। पूरे कांड के उद्भेदन के लिए 2-2 एसडीपीओ के साथ कई थाने की पुलिस अलग अलग टीम बनाई गई थी, लेकिन देर से ही सही पुलिस नए वर्ष में अपराधियों की गिरफ्तारी को बड़ी कामयाबी मान रही है। और दरभंगा के अवकाश कुमार जो एसएसपी बने हैं उनके लिए भी बड़ी कामयाबी उनके ही कार्यकाल में हुई है। नए वर्ष में अपराधियों की गिरफ्तारी तो बड़ी कामयाबी है ही। दरभंगा के बहादुरपुर थाना परिसर में प्रेस वार्ता में शामिल हुए दरभंगा सदर के एसडीपीओ कृष्णनंदन कुमार के साथ मुख्यालय डीएसपी सुमित कुमार ने पकड़े गए अपराधियों के बारे में बताया है कि राजश्री ज्वेलर्स 25 किलो चांदी 200 ग्राम सोना के साथ नगद की लूट हुआ था, जिसको लेकर लगातार पुलिस अपराधियों की तलाश में थी। गिरफ्तार सभी अपराधी दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर सहित कई जिलों में डकैती की घटना को अंजाम दे चुके हैं। यह अपराधी बिहार के अन्य जिलों के साथ पड़ोसी राज्य झारखंड में भी लूट की घटना को अंजाम दे चुके हैं। आइए अब सुमित कुमार मुख्यालय डीएसपी से सुनते हैं और कृष्णनंदन कुमार जो सदर डीएसपी हैं उनसे सुनते हैं कि आखिरकार उन्होंने क्या कहा है इस अवसर पर। शेयर और सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर कीजिएगा, सभी लोगों तक शेयर कीजिए। YouTube पर अगर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को, शेयर अगर Facebook पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करिएगा। बड़ी खबर बिहार के दरभंगा जिला से आ रही है जहां पर सोना लूटकांड का उद्भेदन हो चुका है, जिसमें काफी मात्रा में भारी मात्रा में सोना, हीरे के आभूषण और कैश की डकैती हुई थी। तब से पुलिस तत्परता से तकनीकी दल के सहयोग से पुलिस अधीक्षक महोदय और नगर के मार्गदर्शन में लगी हुई थी। उसी क्रम में गिरफ्तारियां हुई थी, आभूषणों की बरामदगी हुई थी, नगद कैश की बरामदगी हुई थी। पुनः बहेड़ी थाना अंतर्गत 5/11/21 को एक डकैती कांड हुआ जो राजश्री ज्वेलर्स में तकनीकी, उसके पश्चात एसडीपीओ बेनीपुर, एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। उस टीम में बहेड़ा के सीआई थे, उस टीम में एसएचओ बहेड़ी थे जिनका बहुत योगदान रहा, उस टीम में पुलिस निरीक्षक प्रकाश झा थे, विश्वविद्यालय थाना के इंचार्ज भी हैं, बहादुरपुर थाना के एसएचओ भी उस टीम में थे, राकेश कुमार वगैरह भी थे, और तकनीकी सेल का सहयोग रहा, तकनीकी सेल को मार्गदर्शन मिलता रहा। वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय जिन्होंने भी जस प्रभार लिया है उनसे लगातार संपर्क रहा, रात रात में, देर रात में भी उनका सहयोग मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा, जिसके फलस्वरूप 9/1/2022 को यानी कल बहुत बड़े अंतर्राज्यीय अपराधी हैं, अंतर्राज्यीय गिरोह के कुछ लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी की गई। इसमें
सारे नाम है डकैती की योजना बनाते हुए, इन सबको ये किया गया और सारे डिटेल दी गई हैं। इनमें कुछ ऐसे भी हैं जो अंतर्राज्यीय गिरोह के सरगना रहे हैं, बहुत से बड़े, बहुत पुराने, बहुत संगीन अपराधों में संलिप्त रहे हैं, काफ़ी दिनों से वांछित थे। कहा जाता है कि दरभंगा पुलिस की नए वर्ष के ये पर बहुत बड़ी सफलता है। क्या मिला है सर? 5 पिस्टल है मैगजीन्स के साथ, देसी कट्टा 2 हैं, 35 जिंदा कारतूस हैं, बाइक है, 12 सिम के साथ है, लूटा गया आभूषण है, लूटा गया कैश है। कितना कैश है? कैश पहले बरामद हुआ था 2.5 लाख बरामद हुआ था इनका। और भी कई क्या ठिकाना रहते थे इन लोगों की? लगातार छापेमारी चल रही थी, समस्तीपुर, खगड़िया, अगल बगल के जिलों में लगातार छापेमारी चल रही थी टेक्निकल। क्या इन्होंने दरभंगा में पहले भी इसी तरीके घंटा को अंजाम दिया गया था? तो बताया गया अलंकार ज्वेलर्स जो दरभंगा में हुआ था, उससे पूर्व लूटकांड हुआ था 9/12/2020 को, जिसमें काफ़ी मात्रा में, भारी मात्रा में सोना, हीरे के आभूषण और कैश की डकैती हुई थी। तब से पुलिस तत्परता से, तकनीकी सेल के सहयोग से, पुलिस अधीक्षक महोदय और नगर के मार्गदर्शन में लगी हुई थी। उसी क्रम में गिरफ्तारियां हुई थी, आभूषणों की बरामदगी हुई थी, नगद कैश की बरामदगी हुई थी। पुनः बहेड़ी थाना अंतर्गत 5/11/21 को एक डकैती कांड हुआ, जो राजसी ज्वेलर्स में तकनीकी, उसके पश्चात SDPO बेनीपुर, SDPO सदर के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। उस टीम में बहेड़ा के CI थे, उस टीम में SHO बहेड़ी थे जिनका बहुत योगदान रहा, उस टीम में पुलिस निरीक्षक सत्यप्रकाश झा थे, विश्वविद्यालय थाना के इंचार्ज भी हैं, बहादुरपुर थाना के SHO भी उस टीम में थे, राकेश कुमार वगैरह भी थे, और तकनीकी सेल का सहयोग रहा, तकनीकी सेल को मार्गदर्शन मिलता रहा। वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय जिन्होंने भी जस्ट प्रभार लिया है, उनसे लगातार संपर्क रहा, रात रात में, देर रात में भी उनका सहयोग, मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा, जिसके फलस्वरूप 9/1/2022 को, यानी कल, बहुत बड़े अंतर्राज्यीय अपराधी हैं, अंतर्राज्यीय गिरोह के कुछ लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी की गई। इसमें सारे नाम हैं डकैती की योजना बनाते हुए, इन सबको ये किया गया और सारे डिटेल दी गई हैं। इनमें कुछ ऐसे भी हैं जो अंतर्राज्यीय गिरोह के सरगना रहे हैं, बहुत से बड़े, बहुत पुराने, बहुत संगीन अपराधों में संलिप्त रहे हैं, काफ़ी दिनों से वांछित थे। कहा जाता है कि दरभंगा पुलिस की नए वर्ष के ये पर बहुत बड़ी सफलता है, सफलता का श्रेय पूरी टीम को जाता है जो हमारे वरीय SSP महोदय के नेतृत्व में काम कर रही थी, सारे इंस्पेक्टर्स, SHOs, तकनीकी सेल के सारे लोग, सारे सहयोगी, सारे कर्मियों को प्रशंसा के पात्र हैं और सबके लिए पुरस्कार की भी। सर, इनका आपराधिक इतिहास किस तरह का रहा? क्या शुरू से ही ये लोग डकैती के केस में इन्वॉल्व थे? ये लोग बहुत पुराने अपराधी हैं, कई एक जिलों में इन लोगों ने डकैती का अंजाम दिया है, यह दुमका, झारखंड वगैरह में भी डकैती की घटना कारित किए हैं। ये लोग काफ़ी कुख्यात अपराध कर्मी हैं और दरभंगा पुलिस इनको बहुत दिन से तलाश रही थी, तलाशी के क्रम में इनको गिरफ्तार किया गया है और बहुत सारे कांडों में ये अपनी संलिप्तता को स्वीकार भी किया। कितने आदमी को अरेस्ट किया गया है? टोटल आठ आदमी अरेस्ट किए गए हैं। इनके साथ 5 पिस्टल मिली है। क्या मिला है सर? 5 पिस्टल है मैगजीन्स के साथ, देसी कट्टा 2 हैं, 35 जिंदा कारतूस हैं, बाइक है, 12 सिम के साथ है, लूटा गया आभूषण है, लूटा गया कैश है। कितना कैश है? कैश पहले बरामद हुआ था 2.5 लाख बरामद हुआ था इनका। और भी कहीं क्या ठिकाना यहाँ था बहेड़ी में या कहीं से बाहर से? ये मूव करते रहते थे इन लोगों की, लगातार छापेमारी चल रही थी, समस्तीपुर, खगड़िया, अगल बगल के जिलों में लगातार छापेमारी चल रही थी टेक्निकल। क्या इन्होंने दरभंगा में पहले भी इस तरह की डकैती के घटना को अंजाम दिया गया था? तो बताया गया अलंकार ज्वेलर्स जो दरभंगा में हुआ था उनसे पूर्व, और इसका प्रीवियस हिस्ट्री खंगाला जा रहा है, अभी तक जितना आया है उसको आपको दिया जा रहा है। इस गैंग में अभी तक अभी कुछ और बचा हुआ है या सभी का गिरफ्तारी हो चुका है? नहीं, बहेड़ी वाले में तो हो गई है, और कुछ गिरफ्तारियां इस कांड में किया जा रहा है। नगर वाले कांड में कुछ हैं, उसमें कुछ संदिग्ध लोग हैं, यही लोग बहेड़ी में भी किए थे इस गिरोह के कुछ लोग किए हैं। अभी जो गिरफ्तार हुए हैं इनमें से कुछ लोग दोनों कांडों में रहे हैं। इनका मुख्य पेशा क्या सोना लूटना या आभूषण लूटना ही रहा? टारगेट सोने के दुकान को ही करते हैं लोग ज़्यादातर। क्या इसका मास्टरमाइंड पकड़ा गया या इसका मास्टरमाइंड अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है? नहीं, अभी तथाकथित तो मास्टरमाइंड पकड़ा जा चुका है, सभी का गिरफ्तारी हो चुकी है करीब करीब।
कितने गोली इसमें बरामद की गई है? 45 सॉरी 10 और 8 एमएम का 10 है 35 अलग-अलग बोर का है गोली। अंतर्राज्यीय गिरोह? बिल्कुल बिल्कुल अंतर्राज्यीय गिरोह है, बिहार झारखंड कहीं भी जाकर ऑपरेट करता है, बहुत रेडेड क्रिमिनल ये लोग है। बिहार के अंदर भी इनका बहुत सारे जिलों में है, हाजीपुर, बेगूसराय, समस्तीपुर, कई जिलों में इन्होंने डकैती के कांड का अंजाम दिया है और समझिए कि दूसरे स्टेट में भी जाकर करते रहते हैं। लूटी गई सामग्री सारा बरामद हुआ या अभी बचा हुआ है कुछ? और कुछ बचा हुआ है जिसको लिए छापामारी हम लोग कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं, कुछ बेच दिया गया है, कुछ बाकी बरामद होगा। हो गया, ओके, थैंक यू।